कि अमेरिका पर पीटीआई हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम झूठ है। सैफर को अमेरिकी साजिश कहना भी गलत था, जिसकी पाकिस्तानी सफीर भी तस्दीक कर चुके। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कहा कि हालिया इंतखाबात में 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाले। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। पीटीआई का बयान झूठा था, अमेरिका ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई। साइफर से मुतालिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी हमारे मौक़िफ़ की तायद कर चुके। नायब अमरीकी वजीर खारजा डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान में बयान। इलेक्शन से मुतालिक सवालात का जवाब देते हुए डोनाल्ड लू ने कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान तशद्दुद और मीडिया वर्कर्स पर हमलों की मजम्मत करते हैं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान में 60 मिलियन के करीब शहरियों ने वोट डाला। डोनाल्ड लू ने कहा, इंतखाबात में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं इस पर फिक्रमंद है। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तमात पर हमले होते रहे। पार्टी कारकुनान ने सहाफ़ियों, खुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासा किया। अमेरिका ने मीडिया वर्कर्स पर हमलों, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की बंदिश की मजम्मत की गई। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।